हिमाचल के जिला शिमला में नगर निगम ने तहबाजारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें रेहड़ी फड़ी वालों को अपने आसपास सफाई की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। एमसी कमिश्नर आशीष कोहली की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें नगर निगम ने छज्जे पर काम करने वालों को साफ चेताया है कि जिस छज्जे के बाहर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होगी उसका कमेटी चालान काटेगी। इसके अलावा जो लोग खाने या सामान खरीदने आते हैं उन्हें भी डस्टबिन यूज करने की सलाह देनी होगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत निगम की मीटिंग में तहबाजारियों को अपने काम को शुरू करने के लिए लोन की सुविधा के बारे में भी बताया गया। जो अपने काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की तंगी के कारण नहीं कर पा रहे, उनके लिए 10,000 की राशि मदद के रूप में दी जाएगी और इस सहायता राशि को बढ़ाने के लिए निगम कमेटी सरकार से बात करेगी। मीटिंग में आने वाले 300 तहबाजारियों को निगम ने सर्टिफिकेट भी दिए। रेहड़ी फड़ी और तहबाजारियों को निगम ने चयनित जगह पर पीछे बैठने को कहा और 2 पुलिस जवानों की तैनाती करने की बात कही। ये सभी रेहड़ी फड़ी वालों को जल्द बताया जाएगा। कोई भी नया व्यक्ति अपना छज्जा नहीं लगाएगा, यदि ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम तहबाजारियों और रेहड़ी फड़ी वालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर नियमों को नहीं माना गया तो सभी को IGMC के नज़दीक शिफ्ट किया जाएगा। निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने कहा कि सभी को यह बात समझनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।